लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। अमीर शेखों के देश सऊदी अरब की आमतौर पर एक ही तस्वीर सामने आती है, जबकि यहां एक तबका ऐसा भी है जो जबरदस्त गरीबी में जी रहा है। फ्रेंच फोटोग्राफर एरिक लफाज ने यहाँ के दोनों तबके के लोगों की डेली लाइफ कैमरे में कैद की। उन्होंने यहाँ के शहरी और अमीरों के इलाकों से ज्यादा गांवों और गरीब तबकों वाले इलाकों का दौरा दिया। यहाँ एक तरफ अमीरी की चक्का चौंध है तो दूसरी तरफ जबरदस्त गरीबी दिखती है। उन्होंने हर फोटो के पीछे की कहानी बयां की थी और अपने अनुभव शेयर किए। एरिक ने बताया कि यहाँ टूरिस्ट वीजा के लिए लोकल ट्रैवल एजेंसी या कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेने की जरूरत होती है। मक्का में तीर्थयात्रियों की जबरदस्त भीड़ आने के चलते एजेंसी गैर मुस्लिमों की मदद में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं। लिहाजा एरिक को भी वीजा के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा और 2012 में वो 15 दिन के टूर पर सऊदी पहुंचे। यहां के नियम कायदे के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि 30 साल से कम उम्र की महिला यहां बिना हस्बैंड या भाई के घर से बाहर नहीं निकल सकती है। इसके साथ ही एल्कोहल, पोर्नोग्राफी, गैम्बलिंग और पोर्ट को लेकर यहाँ सख्त तौर पर मनाही है। महिलाओं के लिए अबाया पहनना कंपलसरी है। एरिक ने बताया कि यहाँ हर जगह आपका वेलकम होगा, लेकिन आप हर जगह खुद को पुलिस एस्कॉर्ट से घिरा भी पाएंगे। एरिक ने यहाँ की मेहमानवाजी की तारीफ की और कहा कि इस सफर में मैं सिर्फ पुरुषों से मिला, कभी महिलाओं से मुलाकात नहीं हुई। एरिक के मुताबिक सऊदी में लोग काम नहीं करते, उनकी जिंदगी सरकार से मिली रकम पर चलती है। ऐसे वो खाली रहते हैं और हमेशा आपको गाइड करने और आपके खाने का इंतजाम करने के लिए तैयार रहते हैं।